नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका ज्ञान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं बाले के निवासी योगीनाथ। चिदगुम्पी ने गृह निर्माण के लिए नंदूरबार से एक बालू लदे ट्रक का ऑर्डर दिया था। ट्रक को खाली करते समय श्रमिकों को रेत में एक सांप दिखाई दिया। चिदगुम्पी ने तुरंत प्रकृति संरक्षण सर्कल सोलापुर के एक सदस्य सोमानंद डोके को सूचित किया। इन्होंने सुरेश क्षीर सागर को सांप पकड़ने के लिए वहां भेजा गया था। रेत के ट्रक का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि दुर्यक घोणस लगभग 2 फीट गैर विषैले सांप गलती से नदी के तल से रेत भरते हुए भर गया और सोलापुर आ गया। खबर सोलापुर महाराष्ट्र से है। बाले के निवासी योगीनाथ चिदगुम्पी ने गृह निर्माण के लिए नंदूरबार से एक बालू लदे ट्रक का ऑर्डर दिया था। ट्रक को खाली करते समय श्रमिकों को रेत में एक सांप दिखाई दिया। चिदगुम्पी ने तुरंत प्रकृति संरक्षण सर्कल सोलापुर के एक सदस्य सोमानंद डोके को सूचित किया। इन्होंने सुरेश दाजी क्षीर सागर को सांप पकड़ने के लिए वहां भेजा था। रेत के ट्रक का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि दुर्यक घोणस लगभग 2 फीट गैर विषैले सांप गलती से नदी के तल से रेत भरते हुए भर गया और सोलापुर आ गया। प्रकृति की कंपनी में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। दुर्यक घोणस गैर विषैला सांप कॉमन सैंग बोआ। बारिश के मौसम में भूमिगत सांप जमीन पर आ जाते हैं। मोटे शरीर में पूंछ पर खुरदरे तने के साथ गहरे पीले रंग की धारियां होती है। ये मुख्य रूप से चूहों, सांपों और सरीसृपों को खाता है। सोलापुर से योगेश कल्याणकर की रिपोर्ट। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें जरूर बताएं।